जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से कई विद्यार्थी अग्निवीर 2024 में रिजल्ट का बहुत वेट कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है, और पिछले 4-5 दिनों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको यानी कि 16 मई 2024 को एक ऐसी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूं दोस्तों। आप वाक्य में सुन के बोलोगे, गुरुजी आपने जो बात बोली थी बिल्कुल स्टिक बात है और एकदम 100% सही बात है। ध्यान से सुनना सारे विद्यार्थी, रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट आपका किस तारीख को डिक्लेयर होगा, कितने बजे डिक्लेयर होगा, सारी बातों पे बात करूंगा। लाडले, क्या आपको सेफ स्कोर होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन होगा, और एक टेस्ट और डाला गया, क्यों डाला गया, अग्निवीर चाहता क्या है 2024 में, कितने पदों पे भर्ती होगी दोस्तों, ये सारी की सारी बातें मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों। एक बार जितने बच्चे भी लाइव बने दोस्तों, सभी को हाथ जोड़ के विनती है, सारे विद्यार्थी फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप कौन से ARO ZRO से आते हो, चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में आप लिखने का कार्य करेंगे, आपके कितने मार्क्स बन रहे, आपने ट्रेड का पेपर दिया या आपने GD का पेपर दिया या W यानी कि MP का पेपर दिया या आपने कलर्क का पेपर, टेक्निकल का, स्टोर कीपर का, नर्सिंग का, किस ट्रेड से आपने पेपर दिया और आपके कितने मार्क्स है, कौन से शिफ्ट में आपने पेपर दिया है, आपको बिल्कुल रिजल्ट की डेट मैं दिखा दूंगा किस तारीख को रिजल्ट आएगा। सारे बच्चे वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। उससे पहले हम कुछ बातों पर बातें करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे बड़ी जो मेन बात है वो किसको लेकर, सर कंप्यूटर आपके एलिजिबल, आपके जो टेस्ट था कॉमन एलिजिबल, आपके टेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं भैया, आपके CEE 2024 रिजल्ट के डेट की, यानी कि शाम 5 बजे ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड पे आपको चेक करना है। और ये कब चेक करना है, किस तारीख को चेक करना है, सारी बातें आपको ध्यान से सुना, वीडियो के पूरे अंत तक बने रहना लाडले। फिजिकल शुरू होने की आपकी जो संभावना नहीं, बिल्कुल फिक्स डेट आ चुके, 24 जून को अमेठी ARO के द्वारा आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 24 जून पूरे भारत में 24 जून की पहली डेट है। अलग अलग जैसे राजस्थान की, आपके बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, और आपके ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, काफी जो ZRO है इन्होंने अपने फिजिकल को लेकर अनाउंसमेंट शुरू कर दी गई है। तो वो आपको सारी बातें ध्यान देनी है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, ZRO और आपके ARO वाइज बताऊंगा। 16 मई 2024 न्यू अपडेट आज की डेट के बता रहा हूं लाडले, पक्का पक्का याद रखना। अब ध्यान से देखना, सबसे बड़ी बात, कितने नंबर वाले फिजिकल कर सकते हैं सर, पहली बात देखो, जिनका 50 में से कोई भी ट्रेड का अगर 20 से 22% सही होते दोस्तों, अपने आप को 101% बिल्कुल श्योर मानिए, फिजिकल में नंबर आपका आ जाएगा, यानी कि CEE एग्जाम रिजल्ट में आपका बिल्कुल नंबर आ जाएगा। दूसरी बात, फिजिकल कब से शुरू हो रहे हैं, 24 जून से अमेठी वालों ने शुरू आपको याद रखना है। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन बता दे दो लाडला, कोई भी एग्जाम अधिक शिफ्टों में होता है, ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों में होता है, तो वहां पर पेपर का जो लेवल होता है वो हो सकता है हार्ड भी बन सकता है, हो सकता है आपके मॉडरेट, हो सकता है इजी लेवल। इस प्रकार से पेपर का लेवल, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती, उसी प्रकार से जिस दिन पेपर हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, तो यानी कि जो टाइम शेड्यूल था 22 अप्रैल से लेकर आपके 3 मई के बीच में, तो इसमें जो GD का पेपर था वो 22 से 30 अप्रैल के बीच में था, एक बराबर नहीं था। लेकिन याद रखना लाडले, 29 अप्रैल का पेपर सबसे हार्ड पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो अंतर देखने को मिलेगा वो किन विद्यार्थियों को मिलेगा भैया, 29 अप्रैल वाले को नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे आप चेक कर लेना 18 मई को ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड पर, आप देख लेना कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं। रिजल्ट कब जारी होगा उसी के ऊपर बात कर रहा हूं लाडले, एकदम 101% आपको राइट बताऊंगा। कई लोगों ने अफवाह बना रखी है कि 10 मई को रिजल्ट आ गया, और गूगल पे जो लोग पैसा कमाते हैं साइट्स बना के छोड़ देते हैं, आप इसकी तैयारी करो, फराना तैयारी करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पे बने हो, आप अगर चाहते हो कि सर मेरा फिजिकल 100 नंबर का करवा दो, तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे लाडले, ये पक्का पक्का इसको सेव कर ले, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल सुविधा है। और वहीं पे आपके नेवी MR, जिन बच्चों ने अग्निवीर 2024 का पेपर दिया है लाडले, वही सिलेबस है और कोई अंतर नहीं है, अच्छी पोस्ट है, चाहे वो MR के लिए हो, चाहे SSR के लिए हो, MR के लिए 10th बेस है, SSR के लिए 12th बेस है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इनका जो फॉर्म फिलअप है वो चालू हो चुका 13 मई से लेकर 27 मई के बीच में, और ये बहुत बड़ी आपके लिए क्लास है, 25 में से 25 MR के लिए,
एसएसआर के लिए 25 में से 25, यानी कि जिन बच्चों ने नेवी का सपना देखा है, पूरा का पूरा जीके की 12 घंटे क्लास चलेगी, 19 मई को हो जाओ तैयार। और उसके बाद ध्यान दीजिए, हमारे जो स्टूडियो का टाइम टेबल है, क्लासों का लाइव स्टूल कब कब आता है, सुबह 8 बजे, सुबह 9:15 बजे, सुबह 10:15 बजे, रात्रि 9 बजे, पूरा का पूरा देख लेना। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क सूत्र बना सकते हो। आरपीएफ याद रखना, रेलवे की भर्ती के फिजिकल साथ साथ में कर सकते हो। मैंने क्या बोला, अभी आप फिजिकल कर रहे हो तो आरपीएफ का जिसने फार्म लगाया उसके लिए बहुत गुड न्यूज क्या है, अब की बार फार्म कम भरे गए, ये याद रखना, अब की बार फार्म कम भरे गए, बस थोड़ी सी तैयारी करना है। क्या पता अग्निवीर से आप वंचित हो जाओ तो आरपीएफ में आपका सिलेक्शन, अगस्त में आपके एसएससी जीडी आ रही है तो अगस्त एसएससी जीडी को लगाना, साथ साथ में एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप, लगभग 50,000 से अधिक पद आएंगे, तो बहुत बम्पर धमाका 2024 में। मेन मुद्दे पे आते लाडले, हमारी जो बात क्या है, ये देखो, ये इसके ऊपर वीडियो बना रखा, पूरा पूरी की पूरी क्लासेस चलती है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, पूरी की पूरी आपको क्लासेस चलती है, ये आप देख सकते हो लाडले। ये देखो, ये डेली ऑक्सफोर्ड अपना चैनल है लाडले, ऑक्सफोर्ड, ये देखो मॉडल पेपर 9 बजे 11 बजे मिलेगा, शाम के 6 बजे क्लास आती, आज नहीं आएगी। ये देखो, ये शाम को क्लास थी, मैथ की मैडम की क्लास थी, रीजनिंग की क्लास थी, ये सारी की सारी नेवी की हो गई, आरपीएफ की हो गई, आपके हर एक बातों के बारे में मैंने बता रखा है, ये पूरा का पूरा याद रखना। और मेन मुद्दा क्या है उस पे आ जाओ सबसे पहले, मेन मुद्दा क्या है सबसे पहले उस पे आ जाते हैं गुरुजी, बिल्कुल आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपके दिखा रहा हूँ कि आपको जो रिजल्ट देखना है, अपना रिजल्ट, मेन कहानी यहाँ पर है लाडले, मेन कहानी यहाँ पर है लाडले, कुछ भी नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, परेशान नहीं होना लाडले। याद रखना 18 मई शाम को 5 बजे एक बार आप अपना रिजल्ट, सीईई रिजल्ट, इसको ओपन करके देख लेना लाडले, नहीं तो आपका जो रिजल्ट है 18 मई के बाद नहीं देखो तो लाडले 20 मई से लेकर आपके 26 मई के बीच में कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, 26 मई से कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया आपको, जिनका 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे वो फिजिकल में लग जाओ, और जिनके दोस्तों 30 के आसपास है वो तो एक्सीलेंट रेस मारो, वर्दी आपकी है, 30 के आसपास वाले वर्दी आपकी है लड़ ले। तो आपको क्या करना है, 18 मई को, अभी बता रहा हूं, 18 मई को ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट पे सीई रिजल्ट ये देख लेना है, आपके जेसीओआर ओआर अग्निवीर आपके रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर आ जाना लाडले, और कुछ नहीं करना, कोई दूसरों की वीडियो में परेशान नहीं होना, नॉर्मलाइजेशन में कितना बनेगा 18 मई को चेक कर लो लाडले, बार बार बता रहा हूं 18 मई याद रखना। और उसके साथ दो चार बातें और आपको बताना चाहता हूं जो आपके भविष्य से इन फ्यूचर के, अगर आप दोस्तों अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अग्निवीर से हटके बनाना चाहते हो, कई बच्चे सोचते हैं कि सर ये 4 साल की मैं करूं क्या, तो अभी से लाडले नेवी एमआर एसएसआर की तैयारी कर सकता है, रेलवे की तैयारी कर सकता है, एसएससी जीडी की तैयारी कर सकता है। 2024 में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको दिखाई देंगे लाडले, एक भर्ती के ऊपर डिपेंड नहीं होना। किसी कारणवश अगर आप फिजिकल में गिर जाते हो और आपके मार्क्स थे भैया 50 में से 40% सही, 80 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट कर रखा था, उस टाइम क्या करोगे, तभी बोलता हूँ लाडले साथ साथ में अपनी तैयारियां शुरू कर दो, फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की तैयारी कर दो। ये मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगी, ये हमारा पूरा का पूरा टाइम टेबल सलूड है, ये पूरे के पूरे ये नंबर आप सेव करके रखिए, कोई दिक्कत आती कभी भी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है लाडले। हमारी संस्थान एकमात्र ऐसी संस्थान है जो गर्ल्स हो बॉयज हॉस्टल के लिए अलग अलग जयपुर में अग्निवीर की आपको फ्री तैयारी करवाती है, फिजिकल की कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री फिजिकल है। हाँ, रेजिडेंस में रहने के लिए आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आप डाइट लेते हो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए भोजन को ग्रहण करते हो, तभी तो जान आएगी, तभी तो आप फिजिकल निकाल पाओगे। और दोस्तों और क्या बताने जा रहा था, ये आरपीएफ वाला जिसने भरा है उसके लिए बम्पर धमाका है, और अब की बार 2024 में वर्दी मिलेगी। लास्ट में बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप कौन से आर ओ जेडा हो, अपना नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपने ये बताइए कि सर मैंने आर्मी जेडी का पेपर दिया, मेरे इतने क्वेश्चन राइट है, मैं चैट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।